सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस ऑन बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल सोनी जी में और मैं आपका दोस्त संदीप सोनी लेके आया हूँ एक नई न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज राजस्थान में अनगिनत ईमित्र और अटल सेवा केंद्र है। हर एक पंचायत समिति में आपको अटल सेवा केंद्र मिल जाएगा जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। और अब उन अटल सेवा केंद्र और ईमित्र संचालकों की कुछ मांगे हैं जो सरकार के सामने हम रखने जा रहे हैं और उन मांगों का जो पूरा पत्र है वो देखिए आपके सामने। ये पूरा पत्र है जो पूरी मांगों की जो लिस्ट है वो इसके सामने है जो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ। शायद आपको ये सही भी लगेगा, देखना। इसमें जो पहली मांग है वो ये है कि परीक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण ईमित्र संचालकों का मानदेय तय किया जाए। दूसरा इसमें ये है कि अटल सेवा केंद्र पर जो भी कार्यरत ईमित्र संचालक हैं उन सभी को स्थायी किया जाए। नेक्स्ट इसमें है अटल सेवा केंद्र के अधीन संचालित ईमित्र संचालकों को ईमित्र प्लस मशीन पर ईमित्र ऑपरेटर को निर्धारित मासिक मानदेय तय किया जाए। नेक्स्ट इसमें है बैंक खातों के लेन देन पर जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेज जो आयकर विभाग का जो नोटिस आ रहा है उसमें छूट दी जाए। LSP प्रथा जो है उसको बिल्कुल से हटा दिया जाए। नेक्स्ट इसमें है सरकारी शिविरों में ड्यूटी लगाने पर यात्राएं एवं मानदेय दिया जाए। नेक्स्ट इसमें आता है विभिन्न विभाग के अधिकारियों व बाबुओं को समय पर सही तरीके से सेवाएं देने के लिए गाइडलाइन जारी किए जाएं। ये जो सात सूत्री मांग है उसके लिए पूरा जो ईमित्र संचालक है वो आज पूरा अनिश्चितकाल हड़ताल पे हो चुका है जो कि दिनांक 24/9/2018 को भी पूरी हड़ताल हो चुकी है और कल भी ऐसा ही समय आएगा जो हड़ताल पूरी है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ऐसे ही हड़ताल पूरी चलेंगी। तो आइए इन पर पूरा विचार कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज जो भी सरकारी ऑफिस हैं उनमें जितना काम नहीं हो रहा उससे ज़्यादा एक ईमित्र संचालक काम कर रहा है, तो उसकी ये जो सभी मांगें हैं ये पूरी भी होनी चाहिए जो एकदम जायज हैं। इसमें जो पहली मांग ये है कि ईमित्र संचालकों का मानदेय तय किया जाए। जो भी ईमित्र संचालक जिसने भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उसके लिए ऐसी एक तनख्वाह निर्धारित की जाए जिससे कि वो अपना जो भी भरण पोषण है वो कर सकें और जो भी अटल सेवा केंद्र पर जो भी ईमित्र संचालक हैं उनको वहाँ पर स्थायी किया जाए, क्योंकि उनको न केवल पंचायत का पूरा काम देखना पड़ता है बल्कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उन सभी का भी काम करना पड़ता है और इसके लिए भी एक निर्धारित रेट सरकार द्वारा तय की गई है। और ये जो निर्धारित रेट तय की गई है इस निर्धारित रेट में कोई भी काम होना संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में अगर कोई भी एक शहर के अंदर एक दुकान ले रहा है तो उसका कम से कम 10,000 रुपये किराया मिलेगा जिसको देना सभी के लिए शायद मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मंथ का एवरेज देखा जाए तो कमीशन बनता है मात्र 3-5 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा कमीशन बहुत ही कम होना है, क्योंकि सभी को इस रेट में काम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए सात सूत्री मांग रखी गई है। और इन सभी को पूरा करने के लिए जो भी ईमित्र संचालक हैं वो कल भी अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे। इसमें एक नोटिस करने लायक बात यह है कि जो भी अटल सेवा केंद्र में कर्मी काम कर रहे हैं वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं वो हर एक काम जो अटल सेवा केंद्र का जो ईमित्र कर्मी का है उसे हर एक काम करवा रहे हैं जिसकी वजह से उसको काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। और हाँ, दूसरा इसमें ये है कि जो सरकार के द्वारा जो कमीशन दिया जा रहा है उस कमीशन से किसी का भी भरण पोषण होना संभव नहीं है और जिसमें जितना कमीशन दिया जा रहा है उसका परसेंटेज के हिसाब से LSP ले लेती है, जिसकी वजह से सरकार के द्वारा जो भी कमीशन आ रहा है उस कमीशन का पूरा लाभ ईमित्र कर्मी को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ये जो सात सूत्री मांग है ये रखी गई है, इन मांगों पर अधिक से अधिक विचार किया जाए और जो भी ईमित्र संचालक हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि कल दिनांक 25/9/2018 को अपने ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी बनाएं और ऐसा ही एक आदेश पारित करके अपना जो ब्लॉक जो अधिकारी है उसको दें और अपनी एकता का परिचय दें। और आज काफ़ी जो ईमित्र संचालक है वो ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई केवल अटल सेवा केंद्र की है, तो नहीं, ये हम सभी ईमित्र संचालकों की लड़ाई है। तो आप इस लड़ाई में सभी का योगदान दें और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जो मांग है उनको सरकार तक रखें, तभी ये संभव होगा। और हाँ, आप इस मैसेज को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करो ताकि आप सभी दोस्तों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। और हाँ, सरकार ने अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की तो शायद ये जो लड़ाई है ये अधिक से अधिक बढ़ेगी और फिर शायद एक बहुत बड़ी अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए भी हम मजबूर हो सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो के द्वारा
मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारा सहयोग करें और इस मैसेज को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।